मध्य प्रदेश चुनाव के पहले ही कार्यकर्ता सम्मेलन और नेताओं के भ्रमण का दौर शुरू हो चुका है, जहां भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हाथ आजमाने को तैयार हैं, तो वहीं सपा के दिग्गज नेता दीप नारायण सिंह यादव की चुनावी आगाज ने दूसरे दलों के उन नेताओं की नींद उड़ा दी है जो चुनावी मैदान में हाथ आजमाने को तैयार हैं। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले हिस्से में समाजवादी पार्टी निश्चित ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सपा के दिग्गज नेता दीप नारायण सिंह यादव को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए दौरे अभी से शुरू कर दिए हैं। आज उन्होंने निवाड़ी के रामराजा सरकार से लेकर टीकमगढ़ के कुंडेश्वर महादेव तक की यात्रा की, जिसमें उन्होंने कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी भाग लिया। इस मौके पर उनके हजारों समर्थक उनसे मिलने को उमड़ पड़े। भारी भीड़ में युवा समर्थक दीप नारायण सिंह यादव के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे थे। आज दोपहर के बाद सपा नेता दीप नारायण सिंह यादव जब निवाड़ी होते हुए टीकमगढ़ पहुंचे तो जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसमें करीब एक दर्जन से अधिक गांव में लोग सड़कों पर उनका इंतजार करते नजर आए। पूर्व विधायक का निवाड़ी, पृथ्वीपुर, दिगौड़ा, जेवरा और फिर बाद में टीकमगढ़ में जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर उनके साथ हजारों समर्थकों की भीड़ नजर आई, जो दीप नारायण सिंह यादव जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। इस दौरान बाइक सवार सैकड़ों समर्थकों ने एक रैली भी निकाली, जिसमें जमकर नारेबाजी हुई। चुनाव से पहले इतने समर्थकों की भीड़ कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की नींद उड़ा सकती है। संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन है। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628।